रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद होते जा रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। घटना है रेवाड़ी की ब्रास मार्केट की, जहां कुछ लोग रेडीमेड की दुकान पर खरीदारी करने आए थे, लेकिन जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो वह उधारी की बात कहने लगे। जब दुकानदार ने मना किया तो कपड़ा खरीदने वाले बदमाशों ने लाठी डंडों से दुकानदार दो भाइयों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान दोनों घायल हो गए, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई। वहीं दुकानदारों ने मार्केट बंद कर रोष जताया। पीड़ित व्यापारियों की जुबानी सुनिए पूरी घटना। कुछ नहीं, दो बंदे आए थे कस्टमर कपड़े लेने, तो कपड़े वपड़े ले लिए, तो बाद में पेमेंट की बात हुई, पेमेंट नहीं दे रहे। तो भाई ने कहा पेमेंट दे दो जल्दी है, वो कह रहा है दे देंगे नहीं दे रहे, मतलब ऐसे बातों बातों में तो बात काफ़ी बढ़ गई। उन्होंने कहा अभी तुम्हें बताता हूँ, बंदे बुला लिए बस दो मिनट के अंदर से तैयारी बैठो। पाँच दस मिनट के अंदर बंदे आए, दोनों भाइयों को मार के कूट के चले गए डंडों से, पूरी प्लानिंग के साथ। कुछ ही पहचान नहीं, अभी फोन से कौन नहीं है, रेडीमेड की दुकान कर रखी है जेबी कलेक्शन के नाम से। मैं उनके पिताजी हूँ, मेरे बच्चों के साथ रात को वारदात होगी। मेरे बच्चे दो, जय भगवान और पवन, दोनों दुकान पर थे, तीन सेलमैन थे हाजिर, उनके साथ मार पिटाई। 10-12 बंदे आए और डंडों से मार पिटाई की है, क्या नाम से, कुछ पैसे भी ले गए कैश और कपड़े उधार मांगे थे, जानते नहीं थे कौन ग्राहक कहाँ का है, उनको वो कपड़े दिए नहीं। उन्होंने कपड़े और बोला कपड़े भी दोगे पैसे भी दोगे, ये धमकी मारते हुए दो बंदे दुकान से बाहर निकले और 8-10 बंदों को बुला के एक थार गाड़ी आई है जिसमें डंडे लेके और बच्चों को तोड़फोड़ मार सिर में, जिसमें सर में भी चोट आई है मेरे बच्चे को और मेरे लड़का एक छोटे वाले का हाथों में फ्रैक्चर है 4 जगहों से। ये वारदात रात को हुई है, प्रशासन को सूचना कर दी थी उसी टाइम, जो कार्रवाई प्रशासन जाने क्या कार्रवाई हो रही है। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का दावा है कि एक बदमाश की पहचान हो चुकी है और जल्द ही सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे। ये था कि दो जने दुकान पे कोई कपड़े लत्ते खरीदने आए थे और उनने अपना एक मोबाइल भी चार्ज पे लगवाया था इन्हीं से दुकानदार से, फिर इनकी किस बात पे जिद बहस हुई है और वो कह रहे पहले तो दो आए फिर 4-5 और आए और मारपीट करके चले गए इनके साथ। सर पता लग रहा है सीसीटीवी कैमरे में से कुछ आ रहा है कि मारपीट वगैरह भी ऐसी कुछ हुई है? सीसीटीवी जैसे रात को तो इलाज के लिए चले गए थे, दोनों भाई थे, दोनों भाई इंजर्ड थे तो ये हॉस्पिटल में चले गए थे, इलाज पहले जरूरी था तो दुकान बंद कर दी थी। अब सीसीटीवी फुटेज ले रहे हैं और एक बंदा आइडेंटिफाई हो गया है, जल्दी अरेस्ट कर। सर कैसी तबीयत जिसके साथ मारपीट, उनकी कैसी हालात है? वो तो डॉक्टर बताएगा जी, एक अनफिट फॉर स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट में मुकदमा दर्ज कर दिया रात को। रेवाड़ी की ब्रास मार्केट में इस वारदात के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। मार्केट के व्यापारियों ने पुलिस से 24 घंटे में कार्रवाई करने की बात कही है। देखना होगा आखिर कब आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे। रेवाड़ी से राजेश शर्मा, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।